ये रीजनिंग का सवाल। 18 * 6 * 10 * तो आप सभी सोच रहे होंगे 3 * 6 = 18, 3 * 2 = 6, लेकिन 10 तो नहीं होगा। फिर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये क्या है 6 और ये क्या है 18, तो इसको कैसे करेंगे? जब 6 का स्क्वेयर करेंगे हम तो क्या होगा 36। तो 6² = कितना होगा 36। अब 36 की हम जब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 * 6 = 18, ठीक है। अब ऐसे ही 10 का करेंगे, तो 10 का हम क्या है कि इसमें से आंसर लेके चलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चेक करके देखते हैं हमारा कौन सी से सही आता है। अब ए का देखेंगे तो हम 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 * 5 = 10, तो ये हमारा क्या है आंसर, हमारा सही है a = 5। ओके।